बागपत जनपद में कांशीराम आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की शिकायत के बाद डूडा विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, जिससे कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अधिकारियों ने किराए पर रह रहे 30 लोगों को जल्द मकान खाली करने की चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने जल्द मकान खाली करके पात्र लोगों को नहीं दिए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं रजनी पुंडीर का कहना था कि कॉलोनी में 30 ऐसे मकान की सूचना उन्हें मिली जिनको किराए पर दे रखा है, जिन्हें जल्द खाली करने की चेतावनी दी है। देखिए, मेरे पास जो यहाँ की न्यूज़ थी या समय जो मुझे जानकारी थी उसके मुताबिक मुझे 30 लोगों की मेरे पास लिस्ट है जिनके नाम आवंटन मकान हुआ है उनमें वो एक्यूरेट नहीं रह रहे, उनकी जगह कोई और लोग रह रहे हैं। करीब 30 लोग, 30 लोगों की लिस्ट है। उसमें से 2-3 ऐसे भी हैं कि जो किसी काम से बाहर है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे में जिसमें किराएदार रह रहे हैं या वो अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हमने इसमें आज जांच की है, इनको निरस्त करके जो एक्यूरेट उनको दिए जाएंगे, इनसे हटा करके इनको निकाला जाएगा। इनमें जो पात्र होंगे वो पात्रता के लिए अपने लिए जमा करें फॉर्म, आवेदन कर सकते, आवेदन करें, वो लोग आवेदन करेंगे, तहसील से होकर आएंगे तो वो लोग भी उनको भी मिलेगा जो पात्र है। हमें पात्रता से मतलब है, जो पात्र उनको तो फिलहाल जो कब्जा किए बैठे हैं उनको कब्जे को हटाया जाए। मेन तो ये कि जो कब्जा है या गलत तरह का जो भी मिली है जानकारी वो उनसे दूर होगा। आपको बता दें कि दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर औद्योगिक पुलिस चौकी के पीछे कांशीराम आवासीय कॉलोनी मौजूद है जिसमें पात्र लोगों को मकान आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में उन लोगों के द्वारा मकानों को किराए पर दे दिया गया, जिसकी शिकायत कुछ लोगों के द्वारा अधिकारियों से की गई। वहीं इस प्रकरण की शिकायत होने के बाद परियोजना अधिकारी रजनी पुंडीर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चेतावनी दी। पंजाब केसरी TV के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।